हाय गाइस, जैसा हमने देखा था लास्ट वीडियो में डायनामो डीबी में हमने डेटा इंसर्ट किया था एंड अब हमें एक लैम्डा फंक्शन बनाना है, जो कि लैम्डा फंक्शन में हम डायनामो डीबी का जो डेटा है वो एक्सेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लैम्डा फंक्शन का स्क्रीन ओपन करके रखा है एंड डायनामो डीबी का भी स्क्रीन ओपन करके रखा है। अभी हम लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, उसके लिए क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है एंड हमें फंक्शन नेम प्रोवाइड करना है। सो हम ऑथर फ्रॉम स्क्रैच से हम एक सिंपल हेलो वर्ल्ड एग्जांपल के साथ चेक कर सकते हैं एंड यूज़ अ ब्लूप्रिंट, जिसमें हमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, ऑटो सिलेक्टेड रहेगा। तो हम यूज़ अ ब्लू प्रिंट यूज़ करते हैं एंड फिर इसमें फंक्शन नेम प्रोवाइड कर देते हैं गेट ऑल डेटा एंड सिंपली हमें क्रिएट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं लैम्डा फंक्शन का कोड ऐसा दिया हुआ है। हम सिंपली अभी क्रिएट फंक्शन करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। ये हमारा गेट ऑल डेटा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं ऐड ट्रिगर ऐड कर सकते हैं एंड डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हैं। ओके, हम इसे ओके कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंडेक्स डॉट जे एस फाइल रेडी हो चुका है एंड उसमें हमारा जो कोड है वो आ गया है। अब ये जो कोड है, ये कोड हम पहला एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कोई एरर है या नहीं है। तो उसके लिए हम टेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। टेस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें एक इवेंट क्रिएट करने के लिए पूछेगा, तो हम एक इवेंट बना लेते हैं सेम नाम से, गेट ऑल डेटा एंड आगे इवेंट लिख देते हैं एंड जस्ट आप देख सकते हैं कि जो जेसन डेटा है वो इस टाइप में पुट करेगा, जो लैम्डा फंक्शन के कोड है उसमें एंड टेस्ट करेगा। हम सेव कर देते हैं एंड वापस से हम टेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो टेस्ट है वो कंपेयर करेगा। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, जो हमारा वैल्यूज है वो प्रॉपर है एंड फिर ये रिजल्ट सक्सेसफुल आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारा डायनामो डीबी में डेटा स्टोर है, ओके, डायनामो डीबी में हम एक्सप्लोर आइटम पे जाएंगे। इसमें हमारा जो कैटेगरीज करके टेबल बना हुआ था उसका जो डेटा स्टोर है, जैसा कि आप देख सकते हैं मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो कैटेगरी हमारा स्टोर है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, ये हमें डेटा गेट करके लाना है Node.js में। तो अभी जो ये हमारे कोड है, ये सब कोड हमें नहीं चाहिए तो हम निकाल देते हैं। ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है AWS SDK, जो कि एक लाइब्रेरी है AWS की, तो हम यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि इम्पोर्ट एंड रिक्वायर जो लेटेस्ट Node.js है, लाइक अगर आप Node.js 18 पे वर्क कर रहे होंगे तो उसमें इम्पोर्ट यूज़ होगा। हम यूज़ कर रहे हैं Node.js 14, तो हम यहाँ रिक्वायर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम रिक्वायर से AWS SDK को गेट कर लिए हैं एंड हमें एक कॉन्स्ट बनाना है जो कि हमारा क्लाइंट होगा। जो क्लाइंट है हमारा वो डायनामो डीबी है, तो हम उसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं AWS एंड फिर उसमें हमें डायनामो डीबी सिलेक्ट करना है एंड उसमें हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट क्लाइंट है वो सिलेक्ट करना है। दैट्स इट। एंड हम एक ट्राई एंड कैच बना लेते हैं, क्योंकि एरर जो
आते हैं उसे हम हैंडल कर सकते हैं कैच ब्लॉक में। कैच में एरर पास कर देते हैं एंड रिटर्न एरर कर देते हैं। ओके एंड हम एक डेटा पास करना है, ट्राई में हम हैंडल करेंगे डेटा को, जिसमें जैसा कि ये असिंक फंक्शन है तो उसके लिए हमें अवेट यूज़ करना पड़ता है। एंड फिर एक फंक्शन बना देंगे लिस्ट डेटा करके, जिसमें हमारा डायनामो डीबी से डेटा लिस्ट होगा एंड उस डेटा को हम रिटर्न कर देंगे बॉडी में। तो जो हमारा डेटा आएगा वो होगा जेसन फॉर्मेट में, तो हम इसे स्ट्रिंगीफाई लगा लेंगे। स्ट्रिंगीफाई एंड फिर जो हमारा डेटा है उसे पास कर देंगे। ओके, अभी जैसा कि जो लिस्ट डेटा है ये हमें मिल नहीं रहा है, जो एरर यहाँ पे डिफाइन कर रहा है लिस्ट डेटा नॉट फाउंड करके, नॉट डिफाइंड। सो हम एक लिस्ट डेटा करके एरो फंक्शन बनाएंगे। सो लिस्ट डेटा एंड इसे भी हम ट्राई कैच में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि कोई भी एरर क्रिएट होता है तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए कैच ब्लॉक से। एंड ट्राई में हमें डेटा गेट करना है हमारा डायनामो डीबी से, जैसा कि ये असिंक फंक्शन होगा तो हमें असिंक लगाना होगा SYNC असिंक। एंड यहाँ पे हमें अवेट यूज़ करना होगा एंड जो हमने डॉक क्लाइंट बनाया था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को स्टोर किया था वो डॉक क्लाइंट हम कॉल कर लेंगे। एंड फिर वो डॉक क्लाइंट के अंदर हमें स्कैन करना है, स्कैन करना है यानी कि हमें ढूंढना है कि कौन सा टेबल से हमको डेटा लाना है, तो स्कैन यूज़ कर लेंगे। एंड स्कैन के अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, यानी कि हमें परम्स यूज़ करना पड़ेगा, कि मल्टीपल हो सकते हैं, इसके लिए हम एक परम्स बना लेते हैं कॉन्स्ट परम्स। एंड इसमें हम एक टेबल नेम करके डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमारा टेबल नेम है कैटेगरीज करके। एंड यहाँ पे हम सिंपली परम्स को पास कर देंगे एंड ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम प्रॉमिस ऐड कर देते हैं एंड सिंपली हम डेटा को रिटर्न कर देते हैं। ओके, अभी जो है हम सेव कर देते हैं इसको। अभी ये हमें टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट करने के पहला हमें डिप्लॉय करना होता है, यानी कि अगर आप कुछ भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन करते हैं फाइल में तो उसे सेव करना ज़रूरी है एंड फिर उसे डिप्लॉय करना है। अभी जैसा कि देख सकते हैं हमने डिप्लॉय कर दिया है, तो अब हमने इसे टेस्ट कर लेंगे कि डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, ये हमें बता रहा है कि जो गेट ऑल डेटा है इज़ नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म डायनामो डीबी एक्सेस। सो यानी कि हमने ये जो एक्सेस है IAM से नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हम IAM में जाके सर्च करेंगे। इसका हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, IAM कंसोल में जाएंगे हम। इसमें IAM सिलेक्ट कर लेंगे हम।
आईएम में आपको रोल्स सिलेक्ट करना है। रोल्स में जाके आपका जो रोल्स है गेट ऑल डेटा करके ऑटो क्रिएटेड होता है तो उसे ओपन कर लेना है। एंड फिर वहाँ पे आकर आपको परमिशंस के अंदर ऐड परमिशंस पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे अटैच पॉलिसीज पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको डायनामो डीबी सर्च करना है। एंड वहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा अमेजोन डायनामो डीबी विथ फुल एक्सेस, उसे क्लिक करना है एंड अटैच पॉलिसीज पे क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, आपका जो पॉलिसी है वो अटैच हो जाता है गेट ऑल डेटा को कि फुल एक्सेस रहेगा जो आपका डायनामो डीबी है उसको एक्सेस करने के लिए। तो हम अभी हमारा जो लैम्डा फंक्शन है वो एक बार टेस्ट कर लेते हैं रिटर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे को डेटा डायनामो डीबी से फेच करके रिटर्न कर दिया है। जैसा कि ML मशीन लर्निंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दो रिकॉर्ड हमारे थे डायनामो डीबी के अंदर स्टोर थे वो हमें हमारे लैम्डा फंक्शन से गेट हो गए हैं। सो इस टाइप में हम लैम्डा फंक्शन क्रिएट करके हमारा जो डेटा स्टोर है डायनामो डीबी में या फिर कहीं और प्लेटफॉर्म पे तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमें सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट हम हमारा जो API एंड पॉइंट है वो क्रिएट करके हम डिप्लॉय कर सकते हैं एंड फिर उससे हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इन और जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें चेक करेंगे कि कैसा हम यूज़ कर सकते हैं हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन में।